मैं लास्ट टाइम जब आया था बहुत साफ था रे, ये बहुत गंदा करके रखा है, पता नहीं, वो तो साफ सुथरा था जगह। ये क्या है, मछली का खाना है क्या? है क्या ये आटा? आटा है, मछली का आटा। और आटा ही है, बस आटा ही है, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा। अच्छा, मछली को ये पसंद है क्या? आप लोग रोज डालते हो क्या? शनिवार। ये आटा आप घर से लेके आते हो या खरीदने को मिलता है? सर घर से लेकर आते हैं। अच्छा, नहीं नहीं उधर है, उधर बढ़िया है बैठने का। तुझे कैसे पता? अरे मैं गया हूँ भाई। अच्छा, हाँ तो नहीं नहीं मैं तो पहचान वाले लोकल लोगों के साथ आया था ना, तब टिकटिंग, ये भैया तो बोल रहे तब टिकटिंग सिस्टम नहीं था। मैं बार के अंदर नहीं गया, ऑफ कोर्स बाहर ही कोका कोला पी के आ गए। फोनेटिक लिखा है क्या? रेस्तरां तो तुम्हारी तरह पे बोलता है। इसको कोई जिम्मेदारी इंसान जाओ 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 इसको यहाँ जाना है। अच्छा, आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट मंकी। बाप रे, बार में मैं तो पहले दिखा नहीं इधर बार। अच्छा, मैं गया नहीं बार।
हाँ एक कोका कोला पीता हूँ। भाई कोका कोला का क्या है, पीता रहूंगा ऐसा छोटा वाला। थम्स अप है ना? यस थम्स अप है। हाँ छोटा वाला देना। कितना देना है? एक एक दे दो। लेंगे और है, दोस्त लोग है, वो लोग आ रहे हैं। टिकट लाओ आपका। ओ टिकट, ये टिकट पैसा पैसा तो देना होगा ना? टिकट में फ्री है आपका, इसलिए हम टिकट लेने आए हैं। सिर्फ कोको कोला फ्री है? बियर भी फ्री है क्या? ओनली कोल्ड ड्रिंक कॉफी। कोल्ड ड्रिंक टी कॉफी? यस पर पर्सन एक आइटम। ओके रुको मैं लेके आता हूँ टिकट। कोल्ड ड्रिंक फ्री है? हाँ टिकट देखना है। वही तो बोला। हाँ एक देगा क्या? नहीं पर पर्सन नहीं, एक टिकट पे एक ना। कहा टिकट? टिकट दिखा। हाँ सुन लो टिकट देना। ओके कौन सा कोल्ड ड्रिंक लोगे? थम्स अप। बाकी मैं एक अभी अपना उसमें लिख दूँ। हाँ सर लो भैया। बाकी लोग को क्या लेना है वो ले लेंगे। टिकट क्या आपके पास है? मुझे पड़ेगा, आप बोल देना हम ले जाएंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ बोल देना, यहाँ से ले जाएंगे। ना तुम बैठो। अरे भैया आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गायों ने घेर लिया हम लोगों। हाँ चलो ले रहा।
भांगर भांगर तो जाएंगे। अगर ट्रैक ट्रैक और भांगर दोनों हो जाए तो तब तो बढ़िया है। चाय लेके चलने वॉक करना इतना बेस्ट पार्क है। मेरा रूटीन तो बहुत गंदा हो गया, मेरे बाल आ रहे हैं। अच्छा भैया यार रेगिस्तान बहुत दूर है क्या? हाँ भैया रेगिस्तान बहुत दूर है। कहाँ सबसे नजदीक कौन सा जगह है गिर पे? नहीं वैसे छोटे मोटे रेगिस्तान तो बहुत है यहाँ पे। अच्छा लेकिन जो मेन रेगिस्तान जो है ना वो यहाँ से दूर है। जयपुर पार हो गए ना? हाँ जयपुर के बाद ये असली होता है स्वरूप। वैसे मट्टी के टीले वगैरह मारू ऐसे तो मिल जाएंगे यहाँ से। अब लटने के बाहर ही जाना है ना। हाँ हाँ ये देखो पूरी फ्लोर थी पूरी। ओ कल का जो कांड हुआ उसके लिए ये सीआरपीएफ है क्या? हाँ ये स्पेशल पार्ट ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ। हाँ एसटीएफ है। हाँ एसटीएफ रहता है तो बहुत कभी आते हैं जब ज्यादा ही वो होता है। हाँ अभी एरिया में राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है शायद ना। हाँ पॉपुलेशन यूपी और डेंसिटी वाइज बंगाल। इस साइड में खेती बारी बहुत है ना। हाँ सब्जियों का मेहनत है, दिल्ली तक जाती नहीं आगे सब्जी है, वो इलाका पूरा ही है उमरैन। अच्छा उमरैन से जाता है? हाँ दिल्ली तक सब्जी यहीं से जाती है। देखे सब सब्जी के दिल्ली से बेच के अब आ रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ। अच्छा टमाटर प्याज जो भी होता है ना हरी सब्जी यहीं से जाती है सारी। और पास भी है ना। हाँ दो ढाई घंटे का रास्ता है ये। रात को जाते हैं यहाँ से और अब सुबह बीच रात के मंडी से अब आ जाते हैं। अच्छा हाँ तो मैं जो कह रहा था नैनीताल से आते वक्त रोड क्या बाइक राइड में तो हम लोगों को फ्रेश होना था। ऐसा ही रास्ता एकदम ऐसा गांव का बीच का कोई रास्ता होगा उधर एक गुरुद्वारा दिख गया तो हम वहाँ घुस गए। इतना बढ़िया से वो लोग मतलब यहाँ मतलब मेहमान नवाजी किया है ना। बोला कि ये कमरा में आप लोग रेस्ट करो तो फिर वहाँ पे हम सब नहाए वहाए फ्रेश व्रेश हुए फिर दूध दूध पिलाया वो उनका पीछे वो है दूध ना लस्सी लस्सी पिलाया था। हाँ अभी याद नहीं है। हाँ भंडारा का भी था हम लोग। हाँ हम लोग शायद खाना भी खाए जितना अभी मुझे। हाँ लंगर जो है फिर ना वहाँ एक दो घंटा सोए भी क्योंकि बहुत टायर्ड थे ना बाइक राइड है बोल के बहुत टायर्ड थे। एक दो घंटा सोए आराम से फिर आराम से निकले वहाँ से। बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा। हाँ वेरी जनरस पीपल गुरुद्वारा। गुरुद्वारा के लोग थे सरदार। हाँ सब सरदार लोग थे सिख सिख। हाँ ऐसे ही कोई छोटा रास्ता था ऐसा गाँव ये देख के मुझे याद आ गया मतलब वो कहानी सरदार कोई गाँव। हाँ और पैसा वैसा तो लेता नहीं, नहीं तो नहीं, हम लोग वो उनका वो दान पत्र है ना जो दान देने के लिए उसमें हम लोग दिए। फिर वो लोग बोला कि इसका वो रिसीप्ट भी देते हो देने से। पहले तो मना कर रहे थे नहीं 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 कोई जरूरत नहीं हो जाएगा तो नहीं 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 फिर भी रखो कुछ हम लोग फ्री में इतना कुछ हो गया ना फिर रिसीट विसीट दिया। अच्छा था अभी सरदारों का सिख समाज का गुरुद्वारा। हाँ दो महीने तक भंडार चलाते हैं वो। हाँ पूरे दिन और पूरे रात। अच्छा दो महीने तक अभी गुरु नानक जयंती थी ना। हाँ शायद है अभी नौ तारीख की तब तक चलेगा वो दो महीने चलता है पूरे। नहीं बहुत अच्छा होता है। मैं एक बार अमृतसर गया था। अमृतसर में हाँ अमृतसर में जिस दिन गए उस दिन तो ऐसे
जो सोने का क्या है गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में, सोने का स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर। हाँ हाँ, स्वर्ण मंदिर में दोपहर के टाइम पे गए थे, बहुत गर्मी था, उतना हुआ हुआ नहीं। हमने प्लान किया कि अगले दिन आएंगे, तो अगले दिन हमें 5 बजे दिल्ली के लिए निकलना था, तो सुबह वही 4:30-4 बजे ऐसा को स्वर्ण मंदिर गए। सुबह सुबह पूरा सर्दी का टाइम था, उस समय भी लंगर मिल रहा था, हाँ, तो चलता रहता है। हाँ, दोनों टाइम चलता है, एकदम 24 घंटा चलता है उधर। कभी भी आओ आप, खा सकते हो। हमने वहाँ नाश्ता वास्ता करके फिर निकल गए दिल्ली के लिए। देखिए अब ये बैंगन है ना, रुको, ये बैंगन लेकिन ये सब तो हाइब्रिड है ना, कलर तो बहुत अच्छा था बैंगन का, हाइब्रिड होगा, रासायनिक क्या बोलता है उसको, खार, अरे मैन्योर का हिंदी में क्या बोलता था, मैन्योर खाद, हाँ हाँ हाँ, रासायनिक खाद, इससे हाइब्रिड ही होगा। पहले तो मेन रोड पे थे सारे, हाँ, अब सरकार ने 200 मीटर अंदर, अच्छा, फिर भी दूर नहीं है, हाईवे पे नहीं बोल सकते आप, हाँ, तो मतलब दारू बोल के नहीं लिख सकते, नहीं, ठेका नहीं लिख सकते, दवाई लिखनी पड़ेगी, तो अंग्रेजी देसी दवाई का दुकान, अगर किसी को पता नहीं है जो बाहर से आया मुझे मान लो कोई दवाई चाहिए, ठेका चला ये भी पूछ लेते ना, आजकल सब ये बोलते हैं ये ड्रिंक की दुकान कहाँ है, शराब की दुकान कहाँ है, जैसे हमारे जैसे राजस्थान में आप भी कहीं जाएंगे तो हम सीधे बोले भैया शराब की दुकान कहाँ है, या फिर ठेका कहाँ है। अब आप आओगे बाहर से आप बोल रहे ड्रिंक की दुकान है, वो बताएगा कि रास्ते में जाते रहो वहाँ लिखा रहेगा दवाई का दुकान, वही दारू का दुकान है, और यहाँ 8 बजे बाद बंद हो जाते हैं। 8 बजे ये कोरोना टाइम में या पहले से? नहीं यार, 5-7 साल हो गए सरकार ने 8 बजे तक का टाइम कर दिया। और सुबह कितना बजे खुलता है? 10 बजे 10 से 8 अच्छा, उसके बाद बंद है। और जगहों में 10-10 बजे तक होता है। पंजाब में सारी रात खुलते हैं। ओह, पंजाब में सारी रात खुलते हैं, क्योंकि वहाँ पर रात में पीते हैं शराब सरकार। अच्छा, इनमें तो कोई कभी कोई आता जाता है। अच्छा, ये थोड़ा टाउन एरिया है। कौन सा टाउन? अकबरपुर बोलते हैं, अकबरपुर अलवर डिस्ट्रिक्ट में। है इधर लेक टाइप कुछ है, लेकिन अच्छा ये नदी है ना, 12 मास बिल्कुल कभी भी अच्छा, ये बड़ा कैंप है। हाँ, ये तो उतर रहे हम लोग, आसपास कुछ और है घूमने का? आगे जाओगे आप भरतरी है, पंड पोल है, सिरस्का है, ये सब दूर है। कितना दूर है? 25 किलोमीटर मेन गेट यहीं से सिरस्का का। अच्छा, यहां से और 25 किलोमीटर बने थे ना बक्तावर, हाँ, वो इधर ही है। अच्छा, चलो चलो चलो, आज रात को हम लोग यहाँ रुकने वाले हैं, परा कैंप एंड रेस्टोरेंट।